Good morning. Avada class 12. Grammar section. तो क्लास 12 के ग्रामर सेक्शन में सबसे पहले आप पैटर्न को ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। पैटर्न को आपको ध्यान में रखते हुए ही सीखना है। तो आपके ग्रामर में सबसे पहले आ रहा है क्लोज, जिस क्लाज में जो टेंथ का टॉपिक था आपके, क्लास टेंथ का टॉपिक था पहले, अब वो क्लास ट्वेल्थ में आ गया है, ठीक है। तो क्लास में आपको सबसे पहले सिंपल क्लॉज के अंदर जो सेंटेंस कंपोजिंग होता है के पैटर्न पर आपको थ्री टाइप्स दिए गए, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो, यानी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं या लिखते हैं तो तीन तरह के कंपोजिंग सेंटेंस तीन तरह के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसकी पहचान है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसकी पहचान है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई कंजक्शन दिया होगा, पहले भी दिया जा सकता है ऑब्जेक्ट, इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब प्लस कोई कंजक्शन शुरू में या पहले, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्लोज क्या है, ठीक है, क्लोज क्या है, क्लोज का मतलब होता है उपवाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपवाक्य कहते हैं। यानी अगर देखी जाए तो वाक्य का एक भाग, एक पार्ट, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या कहेंगे, ए पार्ट ऑफ सेंटेंस को ही हम उपवाक्य कहते हैं, यानी क्लोज कहते हैं। दूसरा आपको बताया कि क्लोज में, अब आप देखो इधर से समझिए, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल डबल है, ठीक है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल डबल है, तो सिंपल सेंटेंस को, सिंपल जो सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं सिंगल क्लोज सेंटेंस, सिंगल क्लोज सेंटेंस, क्योंकि इसमें एक ही क्लोज है, यानी ये क्लोज सेंटेंस है, इसमें दो सिंपल है, यानी दो क्लोज है। अब ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हुआ फिर, कंपाउंड में दोनों ये दो सेंटेंस है ये अपने अर्थ के लिए स्वयं पर निर्भर होते हैं,
जैसे ही इज अर्निंग मनी एंड शी इज वर्किंग एट होम। ठीक है, ही इज अर्निंग मनी एंड शी इज वर्किंग एट होम। तो अब इस पार्ट को हटा दो तब भी इसका अर्थ निकल रहा है। यदि इस पार्ट को हटा दो तो इस क्लोज का अर्थ निकल रहा है। इट मीन्स इसके होने ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसके होने ना होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब जाके ये सेंटेंस कंपाउंड है। इसलिए हम कहते हैं कि दोनों क्लोज, बोथ क्लॉज आर इंडिपेंडेंट फॉर दियर मीनिंग, तो इसलिए इसको कंपाउंड कहते हैं। अब आ जाते हैं अपन कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स में क्या है भाई? कॉम्प्लेक्स का मतलब भी आपको समझाया था कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इफ क्लोज का ले लेते हैं, हम बहुत पढ़ते हैं इफ क्लोज, कि इफ यू हेल्प मी आई विल गिव यू मनी। तो इसमें कौन सा सेंटेंस डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है? अब इसका आपको और समझ में आ रहा है। एक स्वतंत्र है और एक परतंत्र, यानी एक तो है इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, यानी एक ये वाला वाक्य किस पर निर्भर करता है? इस पर निर्भर करता है, यानी ये एक्शन किस पर निर्भर करेगा? इस पर निर्भर करेगा। ये वाला एक्शन किस पर निर्भर करेगा? इस पर करेगा। तो ये इफ़ यू हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद करते हो, तो ये अगर इतना ही लिख देंगे अपन तो इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होगा। आपको कोई अदर सेंटेंस, अदर क्लोज और ऐड करना होगा इसको, तब जाके ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। हाँ, अगर ये नहीं लिखते हैं, ये लिख देते हैं, तो ये तो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, ये तो स्वतंत्र है। I will give you money, ठीक है, इसका तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप ये लिखते हैं if you help me, यदि आप मेरी मदद करते हो, तो आपको इसका मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इसको लिखना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स, यानी एक क्लोज डिपेंडेंट होता है, एक इंडिपेंडेंट होता है। ये जरूरी नहीं है कि पहले आए, बाद में भी आ सकता है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक क्लोज डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं।
तो सबसे पहले आपके आ रहा है, ये आपके सिलेबस में क्लॉज को पहला है नाउन क्लॉज, ठीक है, दूसरा है एडवर्ब क्लॉज, ठीक है, तीसरा है आपके रिलेटिव क्लॉज, ये आपके सिलेबस में है नाउन एडवर्ब रिलेटिव क्लॉज, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं नाउन क्लॉज यानी संज्ञा उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य, ठीक है। तो सबसे पहले संज्ञा उपवाक्य में जो फर्स्ट टाइप दे रखा है एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब आपको दिया गया है। इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है कि एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, तो एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने के लिए फर्स्ट जो एग्जाम्पल है कि द ग्राउंड इज ग्रीन, द ग्राउंड इज ग्रीन, इट हैज मैनी ट्रीज, इट हैज मैनी ट्रीज, इट हैज मैनी ट्रीज, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे पहले डेट से सब्जेक्ट क्लॉज में, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब का मतलब होता है सब्जेक्ट क्लॉज में डेट का यूज करते हो, इसको जोड़ना है, द ग्राउंड इज ग्रीन, इट हैज मैनी ट्रीज, ठीक है। इसको आपको किस प्रकार से जोड़ना है वो ध्यान दीजिए आप, डेट से आपको कनेक्ट करना है, द ग्राउंड इज ग्रीन, इट हैज मैनी ट्रीज, ठीक है। ये तो इसमें इट किसके लिए, इट किसके लिए आया है, इट द ग्राउंड के लिए आया है, इसलिए ग्राउंड के बाद ही डेट लगेगा, द ग्राउंड, ठीक है, लगा दिया। अब डेट किसके स्थान पे लगाया अपन ने, इट के स्थान पर, तो इट के बाद वाला सेंटेंस लिख दीजिए, हैज मैनी ट्रीज, क्या रह गया, इज ग्रीन, क्या हो गया, इज ग्रीन, ठीक है। द ग्राउंड डेट हैज मैनी ट्रीज इज ग्रीन, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं कि डेट द ग्राउंड इज ग्रीन हैज मैनी
trees. That the ground is green has many trees. ठीक है, दोनों ही तरीके आपको जैसा ठीक लगे वैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो जो डेट का एज डेट का यूज किस प्रकार से हुआ, डेट का यूज किस प्रकार से हुआ, तो डेट का यूज हम देखो एक तो होता है इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन के लिए इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं, समवन, नो वन, समबडी, नोबडी। ठीक है, समवन, नो वन, समबडी, नोबडी। ठीक है, इसमें इट भी आता है, और इट किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, जेंडर अननोन हो, ठीक है, एवरीवन, एवरीबडी, ए बी इंडेफिनेट होता है, ए और एम। ठीक है, एनी वन, Anybody, उसमें आप something, nothing, anything, ये इनडेफिनेट जितने ही प्रोनाउन होते हैं इनके लिए हम डेट का यूज किया जाता है, इसको आप ध्यान देना। क्योंकि संज्ञा, अब जैसे कि आपको बोला था कि संज्ञा उपवाक्य जो है हम पढ़ रहे हैं, नाउन क्लास सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, उपवाक्य की, उपवाक्य का जो सब्जेक्ट का संबंध है, उपवाक्य के सब्जेक्ट का संबंध जो है मुख्य वाक्य के संज्ञा से होता है, उपवाक्य के सब्जेक्ट का संबंध मुख्य वाक्य के, मुख्य वाक्य के संज्ञा से होता है, उपवाक्य के सब्जेक्ट का संबंध मुख्य वाक्य के संज्ञा से होता है।
इसी को डिफाइन करने के लिए एक और एग्जांपल ले लो, ठीक है। इसको डिफाइन करने के लिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन। द मैनेजर डिलेड द बिल इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, तो इट किसके लिए है? द मैनेजर डिलेड द बिल सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य के लिए इट आया। सोचने का विषय क्या है? मैटर ऑफ कंसर्न क्या है कि मैनेजर ने डिलेड कर दिया है बिल को। इसको हम हाउ से जोड़ेंगे, ठीक है। उपवाक्य केस, उपवाक्य का सब्जेक्ट क्या है? इट का संबंध किससे? मुख्य वाक्य की संज्ञा से, और संज्ञा के हाउ से जोड़ना है। हाउ का मतलब होता है प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब होता है वर्क, कार्य, एक्शन। डिलेड, तो हाउ द मैनेजर डिलेड द बिल इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, इट इज ए मैटर ऑफ कंसर्न। फिर आ जाता है आपके एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांसिटिव वर्ब। इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांसिटिव वर्ब। अब भाई ये समझ में आ गया, ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कर्म। ट्रांसिटिव क्या होता है? सकर्मक। सकर्मक क्या होता है? जिस सेंटेंस, जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, उसको हम क्या कहेंगे? सकर्मक। इसका ही उदाहरण देख लो आप। ही वर्क्स डेली, इसमें ऑब्जेक्ट है? नहीं, ठीक है। ही डज ए वर्क, इसमें ऑब्जेक्ट है? हैगा, इसमें है। ये रहा ऑब्जेक्ट। इसलिए जो ये डज है, ये क्या है? ट्रांसिटिव वर्ब है। क्या है?
ट्रांसिटिव वर्ब किसका देखना है, ऑब्जेक्ट का, इसको भी ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट पे, ट्रांसिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी है ना एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसिटिव वर्ब। ठीक है, रवि रियलाइजेस इट, रवि रियलाइजेस इट, द टीचर गिव्स गुड रिमार्क, द टीचर गिव्स गुड रिमार्क, ठीक है, इसको अपन को जोड़ना है डेट से, इट किसके लिए है, यानी ऑब्जेक्ट किसके लिए है, ट्रांसिटिव वर्ब के लिए, तो रवि रियलाइजेस, रवि रियलाइजेस दैट द टीचर गिव्स गुड रिमार्क्स। अब मैं आपको इससे पहले वाला समझा देता हूँ। इससे पहले अपन ने क्या समझा था, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, उल्टा लिख दो इसको, द टीचर गिव्स गुड रिमार्क, द टीचर गिव्स गुड रिमार्क इट इज गुड थिंग। ठीक है, अब क्या हो गया जाता है कि डेट से ही जोड़ना है इसको, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट ऑफ, यहाँ इसका जो सब्जेक्ट है ना, इसका इसके लिए वर्ब आ रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे वर्ब आ रही है, उल्टा हो गया ना, तो यहाँ पे शुरू में लिख दो डेट द टीचर डेट द टीचर गिव्स गुड रिमार्क कॉमा इज गुड थिंग, यानी ये दोनों जो फर्स्ट और सेकंड मैंने आपको समझाया था इससे पहले वाला, और ये दोनों इसके अपोजिट हैं, यानी ये सेंटेंस इधर उधर आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर जिसको जोड़ना है वो पहले आ रहा है, ये चीज़ पहले वाले में इधर आ रही है, अब इस जो सेकंड नंबर पे सीख रहे हैं वो पहले इधर आ रहा है, पहले वाले सेंटेंस में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट है आपके एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, बी क्या है,
इज, आर, एम या वाज वर, बींग, बी तो है ही, बीन, ये किसके पार्ट हैं? बी के पार्ट हैं, बी में ही आते हैं सारे। तो बी इसका मतलब क्या हो गया? जैसे माई ओपिनियन इज दैट, इज दिस, माई ओपिनियन इज दिस, माई ओपिनियन इज दिस, ही इज अ गुड टीचर। ठीक है, तो इसमें माई ओपिनियन इज दिस दैट ही इज अ गुड टीचर, यानी इधर ध्यान रखना, ये है एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको ध्यान देना है। एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपको ध्यान देना है। जैसे नेक्स्ट है आपके, महेश थिंकिंग इज दिस, आई हैव टू टेक रेस्ट। तो महेश क्या कह रहा है? महेश की सोच ये है कि महेश ये सोचता है, महेश थिंकिंग इज, थिंकिंग इज दिस, यह है कि आई हैव टू टेक रेस्ट। ये चीज इसमें आएगी, नेक्स्ट है आपके आफ्टर ए प्रीपोजिशन। आफ्टर ए प्रीपोजिशन, आफ्टर ए प्रीपोजिशन, मनीष वेट्स फॉर मी मनीष वेट्स फॉर मी आई टेल यू आई टेल यू डेट से इसको जोड़ना है, प्रीपोजिशन आ गई। कैसे बनेगा? मनीष वेट्स फॉर दैट आई टेल यू, मनीष वेट्स फॉर दैट आई टेल यू। ठीक है,
नेक्स्ट जो है आपके इन अपोजिशन टू ए नाउन और प्रोनाउन। इन अपोजिशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन। इसमें क्या दे रखा है आपके, शी परचेज्ड ए न्यू कार, शी परचेज्ड ए न्यू कार, शी इज हैप्पी, शी परचेज्ड ए न्यू कार, शी इज हैप्पी। तो इसमें आपको सिंपली डेट से जोड़ देना है, शी परचेज्ड ए न्यू कार डेट शी इज हैप्पी। यहां पर इसका जो मीनिंग है वो सो शी इज हैप्पी, इसलिए के लिए आएगा। इन अपोजिशन ऑफ ए नाउन एंड प्रोनाउन कि शी इज परचेज न्यू कार, शी इज हैप्पी, इसने ये कार्य किया, इसका रिजल्ट ये हुआ, इसका रिजल्ट इसलिए ये हुआ क्योंकि उसने, देखो इसलिए ये भी हो सकता है, शी इज हैप्पी एज शी परचेज्ड शी परचेज्ड ए न्यू कार। ठीक है भाई।